मैं इंजीनियर भी थी, डीएसपी भी बनी, फिर डिप्टी कलेक्टर भी बनी जी। आने वाले समय में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम चाहे पॉलिटिक्स में जाने के लिए की बात करें या फिर सिविल सर्विसेज में भी जाने की बात करें, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। 22 तारीख को आपने रिजाइन दिया था। हमारी सोच जो है, हमारे परिवार की सोच सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की हमेशा से रही है। हम लोगों को जोड़ता है तो सिर्फ भारत देश का एक संविधान। मैं चाहती थी कि दिल्ली के नजदीक रहूं ताकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो अच्छे से हो पाए, मैं कोचिंग जा सकूं। हमारे देश में कलेक्टर की नौकरी को सबसे बड़ा माना जाता है। मैं यही सभी एस्पिरेंट से कहूंगी कि आप इसके चकाचौंध को देखकर इस नौकरी में बिल्कुल भी ना आएं। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, एक मदर के तौर पे, इन दोनों को आपने कंपाइल कैसे किया? बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं, एक बड़े बड़े पदों पे होते हैं, उनकी एक मंशा होती है नेता बनने की। आपकी लव मैरिज हुई है, ठीक है, तो आपकी लव स्टोरी कहाँ से चालू हुई? अगर भारत को एक बनाना है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की जो हम कल्पना करते हैं, तो उसमें एक ये जो है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरस्टेट मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जो टॉपर है वो या यूपीएससी या एमबीपीएससी क्लियर कर लेगा, मुझे ये नहीं लगता। क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत सारे टॉपर्स को जानती हूँ जो कई सालों तक तैयारी करते रहे लेकिन उनका प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, और एवरेज स्टूडेंट भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर कर लेते हैं। क्या मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ? नमस्कार, मैं निखिल, नेशनल यूथ सिंपोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ आज निशा बांगरे जी हैं। निशा जी, मैं आपको एक्स डिप्टी कलेक्टर बोलूं या अपकमिंग पॉलिटिशियन? अभी तो मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, तो मैं तो खुद को नहीं मानती डिप्टी कलेक्टर, तो आप मुझे पूर्व डिप्टी कलेक्टर ही कह सकते हैं। तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर, अपकमिंग पॉलिटिशियन में बोल सकता हूँ क्या नाम आपको? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया है, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो हम अपने इस्तीफे को लेकर ही जूझ रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं जी। मैम, अगर इस्तीफा आपका मंजूर हो जाता है, इनकेस, मतलब अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो जाएगा तो आप नहीं करेंगे, या अगर नहीं होता है तो आप क्या ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है जी। और हमारा उद्देश्य जो है वो कभी भी किसी पद के लिए नहीं रहा है जी। मैं इंजीनियर भी थी, डीएसपी भी बनी, फिर डिप्टी कलेक्टर भी बनी जी। आने वाले समय में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ना भी मिले दूसरे उसमें, तो हम जहाँ पर भी रह करके काम करेंगे समाज सेवक के रूप में, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो किसी पद के लिए काम करना तो कभी मेरा उद्देश्य ही नहीं रहा। मैम, लोगों में खासी क्यूरियोसिटी है आपको लेकर के कि निशा मैम पॉलिटिक्स में आएंगे, तो अगर पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरा कभी भी किसी भी पार्टी से ऐसा कोई संबंध नहीं रहा। एक अधिकारी के तौर पर ही पार्टी के जो हमारे नेता रहे हैं उनसे मुलाकात होती रही है, पर एक अधिकारी के तौर पर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जी। बाकी हमेशा से मैंने यही कहा कि अगर मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे जिनसे हमारी विचारधारा मेल खाती हो। अच्छा। मैम, अगर आपने, मैं प्रशासनिक सेवा में तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को आप किस तरह कैसे देखती हैं आज के समय में, वर्तमान में? जी, मध्य प्रदेश भारत देश का एक हृदय प्रदेश है, हम जानते हैं, और बहुत सारे अंचलों से बनकर, बहुत सारे इसमें रीजन्स हैं, उससे ये मध्य प्रदेश बनता है। अलग अलग भाषाएं हैं यही मध्य प्रदेश के अंदर, अलग अलग हमारे कल्चर भी हैं। तो एक जो भारत देश की विशेषता है कि अनेकता में एकता, यही है भारत देश की विशेषता। तो वैसा ही मध्य प्रदेश का भी है कि अनेक क्षेत्र होने के बाद भी हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मध्य प्रदेश को भी मुझे लगता है कि युवा नेतृत्व की जरूरत है और युवाओं को आना चाहिए, और युवा, जैसे हम देखते हैं कि कहीं कलेक्टर बनाना होता है तो प्राथमिकता दी जाती है कि कोई युवा कलेक्टर आए तो वो एक एनर्जी के साथ उस जिले के लिए काम करेगा।
तो सेम अप्लाइज टू दिस गवर्नेंस ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि युवाओं का जो ऊर्जा है, युवाओं की ऊर्जा और जो हमारे अनुभवी हैं उनका जो अनुभव है, दोनों के सम्मिश्रण से ही मध्य प्रदेश का विकास और अच्छे से हो सकता है, हो भी रहा है. सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और एक महिला होने के नाते मैं तो ये भी चाहूंगी कि महिलाओं का, युवा महिलाओं का भी इसमें नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि हमसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो वही रख सकते हैं, गांव से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उस गांव में, उस रीजन में जिन्होंने अपना समय बिताया है वो अच्छे से समझ सकते हैं. जी. तो बहुत जरूरी है सभी का आना. मैम, आपने कहा कि यूथ पॉलिटिक्स में कम आता है. नेशनल यूथ सिंपोजियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम लोग का निरंतर प्रयास रहा है कि लोगों स्पेशली यूथ को इंकरेज किया जाए पॉलिटिक्स के प्रति. लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम लोग आज भी हमारे देश में यूथ पॉलिटिक्स के प्रति एक तो उसे ज्वाइन नहीं करते हैं और दूसरा पॉलिटिक्स को बहुत बेकार मानते हैं, या उसको इस टाइप से, मतलब उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो उसे बहुत गंदा मानते हैं कि भाई पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है. तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला कि युवाओं की सोच यही है, और इनफैक्ट मेरी भी सोच यही थी जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज डेज में थी. तो मुझे लगता था कि राजनीति में आने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पास आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या दूसरा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो जो हम कहते हैं ना कि राजनीति गंदी है, लेकिन वो गंदी इसलिए क्योंकि उसमें अच्छे लोग नहीं आते. अगर उसमें अच्छे लोग आकर उसकी सफाई करना चाहेंगे तो वो जो हमारा एक माइंडसेट है कि युवा इसीलिए नहीं आते क्योंकि एक तो उन्हें स्थान नहीं मिल पाता वो जो उन्हें मिलना चाहिए, दूसरा ये जो मैंने दो चीजें बताई कि बैकग्राउंड उस तरीके का ना होने की वजह से लोग आते नहीं है, और फिर एक मानसिकता ये भी है कि जो इस फील्ड में आएगा वो वैसा ही हो जाएगा. जी. ये भी एक मानसिकता है. तो यूथ को लगता है कि अरे जाने दो, लेट इट गो वाला जो अप्रोच है यूथ का, क्योंकि ये सही बात है कि राजनीति में चुनौतियां बहुत हैं. जी. और सबसे ज्यादा मेहनत इसी फील्ड में करनी पड़ती है. आप एक बार राजनीति के बारे में सोच लीजिए, सोच भी भर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा तंत्र किस तरीके से आपको उखाड़ने में लग जाता है. जी. तो यहाँ तो सोचना ही अपने आप में जो है आप उसके रिजल्ट देखने लग जाएंगे. तो अच्छे लोगों को आने के लिए यहाँ लगता है कि हम अच्छा, अपना अच्छा खासा नौकरी या अच्छी खासी लाइफ को छोड़ करके खुद को, अपनी फैमिली को हम ट्रबल में क्यों डालें, क्यों हम एक ऐसी फील्ड को चूज करें जिससे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. जिसमें तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब यंगस्टर्स, खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो इसमें आएंगे एक अच्छी विचारधारा के साथ, जितने ज्यादा आएंगे तभी इसमें कुछ सुधार हो पाएगा. नहीं तो हम अगर बोलेंगे कि अरे जाने दो हमारा क्या जा रहा है, तो फिर कभी चीजें सुधरेंगी नहीं. और फिर यूथ जो है, हमें लगता है कि यूथ में खुद अभी युवा हूं, तो मुझे लगता है कि फिर आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे कि हमने भी नहीं किया वो काम. जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, या कुछ लोग पुराने कहते हैं कि हमें वो मौका मिला होता तो शायद हम भी करते, लेकिन हम नहीं कर पाए. तो वो पछतावा ना रहे, और चैलेंज तो लेना पड़ेगा. तो मैं जो पढ़े लिखे युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, मैं तो चाहूंगी कि थोड़ा हिम्मत रख के आप आगे बढ़िए, और आपके जो विचार हैं या जो आप देश के लिए सोचते हैं उसके बारे में सोच के आप आगे बढ़िए. बिल्कुल मैम, अभी आपने कहा जैसे कि जो यूथ है, जैसा मुझे, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा था कभी, मैंने भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है. स्पेशली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, ये क्यों उनका माइंडसेट होता है कि हमें या तो प्रशासनिक सेवा में ही जाना है, या कोई एक नौकरी पकड़ना है, उस नौकरी से ही हमारा जीवन यापन हो जाएगा, और उस तक, वहां तक उनकी सोच सीमित रहती है. हमारे देश में जो एक पूरा यंग, सबसे पूरे विश्व में सबसे यंग कंट्री है हमारा भारत, उसके बावजूद हम लोग इतने इनोवेशन आइडियाज लोगों के पास हैं. बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या आईटी सेक्टर में आप देखेंगे सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके सीईओ और इंडियंस हैं. आज भी इसके बाद भी हम लोगों की सोच, जो हम मेनली यूथ की, वो एक नौकरी पर आकर ही क्यों टिक जाती है?
जैसा मैंने बताया कि चैलेंजेस बहुत हैं जी, है ना। हम चाहे पॉलिटिक्स में जाने के लिए की बात करें या फिर सिविल सर्विसेज में भी जाने की बात करें, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम हमेशा आसान रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि आसानी से हमें क्या मिल जाएगा और एक सिक्योरिटी हमें पूरी लाइफ टाइम के लिए कहाँ मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, अपना फाइनेंशियल, अपने आप फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए आसान रास्ता यही रहता है कि हम किसी नौकरी की तैयारी करें। नौकरी मिल जाएगी तो हमें मंथली बेसिस पे सैलरी मिलेगी और सारी ये फैसिलिटीज मिलेंगी जी। तो और फिर लोगों के उद्देश्य क्या है, वो किन उद्देश्यों के लेके चल रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होगी तो वो दूसरे जो एवेन्यूज है उसको एक्सप्लोर करेगा, और खुद जो खुद तक सीमित रहेगा या उसकी क्षमताएं उतनी होगी तो वो उसी फील्ड में जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं कि यूथ जो है वो एक्सप्लोर कर सके जो तमाम चैलेंजेस हैं और जो सिचुएशन जिस तरह की बनती हैं। तो फैमिली भी यही कहती है ना कि अरे अपना देखो, खुद अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो। फैमिली भी एनकरेज नहीं करती कि आप देश के बारे में सोचो या उतना कर पाओ। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी मुझे लगता है कि कोई यूथ भी, आप भी अगर आप अपने आप को देखे तो आपको लगेगा कि मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कुछ भी करूंगा तो उनको भी तकलीफ हो सकती है। तो वो एनकरेजमेंट अगर पेरेंट्स से या फैमिली से नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि यूथ को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, खासकर लड़कियों को तो और परेशानी है। लड़कियों को तो पहले माता पिता और शादी के बाद जो ससुराल पक्ष है उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ती है, आज भी दबाव रहता है। तो फैमिली का सहयोग होना बहुत जरूरी है, तभी यूथ जो चाहता है वो भी अपने रास्ते पर चल सकता है जी। फैमिली का सपोर्ट, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है मैम, लेकिन क्या होता है ना कि मुझे जहां तक लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास की स्पेशली जहां जहां से पूरे ओवरऑल इंडिया अगर देखा जाए तो 40-50% लोग लोअर मिडिल क्लास के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों में सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी नहीं होती है, तो पेरेंट्स में भी उन लोगों ने जो देखा हुआ है कि भाई वो संघर्ष से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उसके बाद फिर एक डर उनके मन में रहता है कि अगर कोई बड़ा रिस्क लेगा तो उसका, क्योंकि तो एक पेरेंट्स की मेंटेलिटी तो बच्चों के उनको सुरक्षित करने के लिए मुझे लगता है कि लगी रहती है। मैम अभी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, इस घर का इनॉग्रेशन शायद 25 तारीख को हुआ है, हमने हमारी टीम जो सर्च कर रही थी, 22 तारीख को आपने रिजाइन दिया था, 22 जून को, तो इसमें मैम सर्वधर्म प्रार्थना हुई थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है मैम? बिल्कुल, देखिए मैं हर कोई चाहता है कि हमारा एक घर हो जी, और उस घर को हम जो अपने पारंपरिक तरीके से उसका इनॉग्रेशन करें, उसका उद्घाटन करें, हम उसमें तमाम अपने जितने लोग हैं, परिवार, हमारे मित्र, हम सबको बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, और एक सेलिब्रेशन की तरह भारतीय समाज में ये काम किया जाता है। तो हमारी तो शुरू से ही यही इच्छा रही है कि हम लोग भी इसको अपने तरीके से इसका उद्घाटन करें, और चूंकि मेरे नाम पे सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है, पहली है नौकरी में आने के बाद, जिसको लोन लेकर के मैं बनाना चाह रही थी और लोन भी लिया हुआ है, और उसका हम उद्घाटन यही करना चाह रहे थे कि हमारी सोच जो है, हमारे परिवार की सोच सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की हमेशा से रही है। हमने शादी भी संविधान को साक्षी मान के की है, तो हम दोनों की यही सोच रही है कि हम अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग राज्यों से है भारत देश के, अलग अलग हमारी भाषाएं हैं, हम लोगों को जोड़ता है तो सिर्फ भारत देश का एक संविधान। तो भारतीय संविधान की परंपरा अनुसार हम चाहते थे कि सभी धर्मों के धर्मगुरु आकर के, क्योंकि भारत अनेक धर्मों का समावेश रखता है, तो सभी धर्मों के धर्मगुरु जिनकी अपनी अपनी प्रार्थनाएं होती हैं, सबका संदेश एक ही होता है जी। तो लेकिन वो जो वाइब्स होते हैं कि हमें सभी धर्मों से, सभी धर्मगुरुओं से आशीर्वाद मिले, ताकि हम जो इस घर की शुरुआत हम कर सकें। मैं नौकरी में थी तो मैं चाहती थी कि मैं अगर यहाँ नहीं भी रहूं, क्योंकि हमारा ट्रांसफर होता रहता है, मैं यहाँ नहीं भी रहूं तो ये एक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो, यहाँ लाइब्रेरी हो, मैंने जो पढ़ाई की है वो किताबें मैं यहाँ रखूं, उन बच्चों को जो गांव में रहते हैं, आप देखिए आप यहाँ आए हैं ग्रामीण अंचल में जाकर आप देखेंगे,
तो बच्चों को गाइड करने वाले नहीं रहते हैं, उनके टीचर्स करते हैं लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। हम ये चाहते थे कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वो यहाँ के गाँव के बच्चों तक पहुंचे, तो अपने इस घर के माध्यम से कि इसमें ताला ना लगा रहे, इसको हम शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करें। तो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का आशीर्वाद हम लेना चाहते थे ताकि एक अच्छी शुरुआत हो सके शिक्षा के लिए, यही इसका उद्देश्य था। और हमने अपने जितने भी यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पदस्थ रही हूँ, तो समाज के सभी वर्गों के बीच मेरे संबंध हैं, सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते थे कि सभी लोग इसको एक पर्व की तरह मनाएं ताकि आने वाले समय में इसको हम एक शिक्षा के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। मैम आपने इंजीनियरिंग करी है विदिशा से, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा से 2010 से 14 तक। आपने 2015 में एक मल्टीनेशनल कंपनी गुरुग्राम में आपने जॉब किया। मैम 2016 में आप डीएसपी, आपने डीएसपी आप बने और 2017 में आप डिप्टी कलेक्टर हुए। जब आपने इंजीनियरिंग करी और गुरुग्राम में जब आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सिविल सर्विसेज को चुना और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी और आपने पद पाया? तो देखिए, जब मैं स्कूल में थी तभी मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि तुम्हें बड़े होकर कलेक्टर बनना है। जी। बहुत छोटी थी मैं, 5th-6th क्लास में थी, तो मेरे टीचर्स तब से ही मोटिवेट करते थे कि तुम्हें कलेक्टर बनना है। लेकिन जब 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर्स में रही हूँ, तो कहा कि आपको मैथ्स लेना है। मैथ्स लिया, 11th-12th मैथ्स से पढ़ी, उसके बाद इंजीनियरिंग करनी होती है मैथ्स करने के बाद, तो इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा। 2013 में ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ। पास आउट होने के बाद 2015 के एंड तक मैंने वहां पे सर्विस की। चूंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो माता पिता भी यही चाहते थे कि मेरे भाई बहन भी हैं 3 छोटे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी हमेशा से यही रहा है कि आप सर्विस करें। तो पास आउट होने के बाद मैंने गुड़गांव में ज्वाइन की सर्विसेज। उसका कारण एक ये भी था कि मैं चाहती थी कि दिल्ली के नजदीक रहूं ताकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो अच्छे से हो पाए, मैं कोचिंग जा सकूं। लेकिन मेरी टाइमिंग्स ऐसी थी कि मैं कोचिंग नहीं जा पाती थी, बट मैं एक ही कंपनी में बैठी थी कि मुझे सिलेक्ट होना है तो इसी में, क्योंकि उसका सेंटर गुड़गांव में ही था पूरे भारत देश में। तो दिल्ली से नजदीक रहने के कारण मैंने उस नौकरी को ज्वाइन किया और साथ साथ मैंने तैयारी भी की जी। बिना कोचिंग के वहीं पर जो है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। गुड़गांव में ही रहकर सेल्फ नोट्स बना करके और ऑनलाइन जो भी हो सकता था उससे, तो उस तरीके से जो मेरा सफर मुझे स्कूल से मैंने शुरू किया था, जो स्कूल में मेरे टीचर ने कहा था कि कलेक्टर बनना है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद, उस कंपनी में जॉब करने के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे वापस मध्य प्रदेश जाकर के या फिर जहां भी मुझे पोस्टिंग मिले मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूं और जो हमेशा से मेरा उद्देश्य रहा है उसको मैं पूरा करूं। गुड़गांव में बहुत अच्छी नौकरी थी, हम एसी के रूम में बैठते थे और 14 मंजिला वो बिल्डिंग थी, सारी सुविधाएं थी, सारी सुख सुविधाएं थी, कोई कमी नहीं थी, अच्छी नौकरी थी, अच्छी कंपनी भी थी। लेकिन वो जो मेरे शिक्षक ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था, पेरेंट्स भी यही चाहते थे, हमारे देश में कलेक्टर की नौकरी को सबसे बड़ा माना जाता है, तो ये जो सो कॉल्ड बड़ी नौकरी है तो उसी के लिए हमने तैयारी की और सिलेक्शन फिर इसमें हो गया तो इसको ज्वाइन कर लिया। मैम ऐसा क्या कारण है हमारे देश में कि, एक तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन था कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के जो लोग आते थे वो तो अब बहुत कम हो गए हैं। इसका सरकार भी शायद चिंतित है इसके बारे में कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र आजकल सिविल सर्विसेज में ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि सिविल सर्विसेज को मतलब जैसे हम लोगों ने शायद पहले भी अभी इससे पहले बात करी थी कि सिक्योर जॉब के लिए माना जाता है, तो जब आप इतनी अच्छी जॉब में होते हैं उस समय फिर आपका क्या माइंडसेट होता है कि क्योंकि वहां पर सैलरी ज्यादा होती है, यहाँ पर ऑफकोर्स की सैलरी तो कम ही होती है, तो फिर क्यों सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं?
अभी आपके मतलब मैं खुल के तो नहीं बोल पाऊंगी, जब ये कैमरा बंद हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बात ये है कि दो तीन चीजें हैं जी, है ना, लोग पावर को देखकर आना चाहते हैं। पहले था कि लाल बत्ती नीली बत्ती में पीली बत्ती जी, में जी, जाना है, तो वो एक माइंडसेट रहता है कि हमें एक रुतबा मिलता है, एक पावर मिलता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी रहती है, सारी फैसिलिटीज रहती हैं, तो वो जो जो चीजें चार्म जो खींचता है ना, वो सारी चीजें मुझे लगता है। बहुत ही कम एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच के आता होगा कि मुझे देश की सेवा करनी है। हाँ। वो सिर्फ इंटरव्यू के तक सीमित रहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है इसीलिए हम आ रहे हैं। हाँ। या समाज की सेवा करना है इसीलिए, मकसद उनका कुछ और ही होता है जी। और मेरा भी ऐसा था कि सैलरी इससे ज्यादा थी जब मैं इंजीनियर थी, सैलरी तो यहाँ कम है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हमें लोगों के बीच में रहना है। मेरा यही रहा है कि मुझे लोगों के बीच में रहना है, उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों तक पहुंच के मैं उनको किसी योजना का लाभ दिला सकूं या उनकी कोई मदद कर सकूं। तो इस भाव से मैं इसमें आई थी। लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को सरकार या जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, वो इसीलिए सिलेक्ट भी करना चाहती है कि वो एक अलग तरीके से काम करेंगे, जो सिस्टम पिछला रहा है उसको ठीक करने के लिए या टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो उसमें मददगार साबित होंगी, इसीलिए इन प्रोफेशनल्स को लिया जाता है। मैं यही सभी एस्पिरेंट से कहूंगी कि आप इसके चकाचौंध को देखकर इस नौकरी में बिल्कुल भी ना आएं जी, क्योंकि ये सिर्फ दिखती है। हाँ। ये होती नहीं है। और आपको यहाँ आके अगर लोगों के लिए काम करना है, यानी लोक सेवा, उसके नाम ही है सिविल सर्विसेज, अगर लोगों की सेवा करनी है तभी आप यहाँ आए, अन्यथा आप डॉक्टर और इंजीनियर बनके ही अच्छा काम करिए। क्योंकि ये डिमांड करती है कि आप लोगों के बारे में सोचिए, पर इस सर्विसेज में आके लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं हो। हाँ। ये इनजस्टिस है उन लोगों के लिए जिनके लिए आपको ये सर्विसेज मिली है। बिल्कुल जी। मैम आप जैसे कि पहले जो पोस्टिंग, आप जब डीसी हुए थे 2017 में, आपका पहली पोस्टिंग बैतूल में हुई थी, शायद यही जहाँ पर हम लोग बैठे हैं आप लोग। दूसरी पोस्टिंग आपको भोपाल मिली थी, आपके पास सब था मैम, डीसी लोगों की ड्रीम जॉब होती है, मेट्रो, फिर उसके बाद जब ड्रीम जॉब वाली तो मेट्रो सिटी में आपको मिल गई, फिर उसके बाद आपको छतरपुर ट्रांसफर हो गया था आपका। तो ये सब चीज होने के बाद, जो लोगों का ड्रीम होता है कि ये सब चीजें हो, उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया मैम, ऐसा क्यों? बिल्कुल। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य किसी पद के लिए नहीं रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी कुर्सी पर बैठ जाऊं और उस कुर्सी पर बैठ के रूल करती रहूं, सुख भोगने के लिए मैं किसी पद पे नहीं जाना चाहती। बल्कि मेरा उद्देश्य यही रहा कि संविधान में जो अधिकार हम सबको मिले हैं, एक मानव होने के नाते हमारे जो मानव अधिकार है, वो लोगों तक पहुंचे, यही उद्देश्य रहा। इसीलिए जब एक चकाचौंध वाली नौकरी गुड़गांव की भी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, हमें इंटरनेशनल फैसिलिटीज उसमें मिलती हैं, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी होने के नाते जो है दूसरे देशों में जाकर के वहाँ काम करने का मौका मिलता है, और मैं जिस कंपनी में थी वहाँ महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, तो एक इंटरनेशनल जो एक वहां पर माहौल था बहुत अच्छा था, एक जो हमें फ्रीडम भी चाहिए होती है, तो उस तरह की चीज भी थी, तो भी मुझे लगता है था कि मुझे लोगों के बीच में जाकर के उनके लिए काम करना है ना, तो यही चीज है जो मुझे बार बार यहाँ खींचती है। और फिर इस सर्विस में रहने के बाद भी मुझे लगा कि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए मुझे इस तरीके से लड़ना पड़ रहा है, तो फिर मेरे लिए मुश्किल है ना, कि मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जाती कि मुझे मेरे घर के इनॉग्रेशन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और उस कारण से अगर मैं डर के बैठ जाती कि मुझे नहीं जाना है, तो फिर मैं किसी और के लिए क्या न्याय कर पाती, पहले मैं खुद के लिए तो लड़ूं, तभी तो मैं दूसरों के लिए लड़ पाऊंगी। सही बात मैम। 2017 से 2023 तक का आपका टेन्योर था कार्यकाल, इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैम? अगर डीसी जब डिप्टी कलेक्टर के पद पे आप होते हैं, तो आपके कितने जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती है, दूसरा आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, जैसे कि आप मदर हैं मैम, आपके बेटे शायद 1 साल के, 1.5 साल के, 3 साल हो गए, तो 3 साल के हैं, तो आपने ये दोनों जिम्मेदारियां कैसे निभाई मैम? एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, एक मदर के तौर पे, इन दोनों को आपने कंपाइल कैसे किया?
बिल्कुल बैलेंस तो करना पड़ता है जी। ये नौकरी बहुत डिमांड करती है जी, है ना। इसमें आने के बाद जो है आपको परिवार के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जी। क्योंकि ये 24/7 जैसी जॉब है जी। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन जो है मिलकर के किस तरीके से लोगों की मदद की गई, तो ये डिमांडिंग रहती है, टाइम डिमांडिंग, तो उसमें बैलेंस करना मुश्किल होता है। बट ठीक है, एक सुविधा रहती है महिलाओं को कि आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं जी, जी। तो शुरुआती दिनों पे तो मैटरनिटी लीव मिल गई, जो बैतूल में हमारे कलेक्टर थे अच्छा, बहुत अच्छे थे, उनका काफी सपोर्ट रहा। जब जिस समय मैं 2018 में यहाँ आई थी एज ए प्रोफेशनल, तब जो थे कलेक्टर साहब, फिर उसके बाद दूसरे कलेक्टर साहब आए, तो वो भी उन्होंने भी मेरे मैटरनिटी टाइम पे हाँ, जो काफी सपोर्ट किया okay। तो मुझे लगता है कि उनके सहयोग से मैं बैलेंस कर पाई हूँ हाँ। तो और फिर अभी छतरपुर से यहाँ, तो मेरे कुछ कलेक्टर्स जो रहे हैं जी, जी, जी। उनके सपोर्ट से और हमारे परिवार के सपोर्ट से, तो मैं उसको बैलेंस करके अभी तक कर पाई हूँ। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि एक अधिकारी के मन में, मतलब मैंने बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं एक बड़े बड़े पदों पे होते हैं, उनकी एक मंशा होती है नेता बनने की, इसका आपके बारे में मतलब ये आप नहीं, सभी अधिकारियों की नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, और मुझे नहीं मालूम कि उनके नेता बनने की परिभाषा क्या है जी, क्योंकि नेता बनना, या मुझे लगता है उसको जनप्रतिनिधि कहना ज्यादा सही होगा जी, क्योंकि नेता तो शब्द नेतृत्व करने वाला और प्रतिनिधित्व करने वाला, जनप्रतिनिधि, जनता के जो एस्पिरेशंस हैं उसको साथ में लेके चलना, क्योंकि सभी क्षेत्र के अलग अलग समस्याएं हैं, उनका सोल्यूशन भी अलग तरीके से निकलेगा। तो ज्यादातर अधिकारी तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और बहुत कम ही अधिकारी हैं जो चाहते होंगे ऐसा। अच्छा मैम, आपको कार्यपालिका जिसे अपन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं या लेजिस्लेचर विधायिका जिसे बोलते हैं, इन दोनों में से क्या पसंद है? बस देखिए, सबका अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है, ए और भी, और वो तो सब सिचुएशनल है। मैं तो जो भी बनी हूँ, सब सिचुएशन ने मुझे बनाया है। वो तो है, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल से सारी चीजें बदली जा सकती okay। है, तो पॉलिटिकल विल जो है वो पॉलिटिशियंस का होना बहुत जरूरी है पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। तो अगर मैं, मेरे विचार से देखा जाए, तो मुझे तो विधायिका में जो कार्य होते हैं जी, वो उसका जो पार्ट होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी के थ्रू हम कार्यपालिका को अपने तरीके से चला लेजिस्लेचर सकते हैं। मतलब विधायिका मेनली देखें। चलिए मैम, ये तो रहा, ठीक है। अब मैम, आपकी लव मैरिज हुई है, ठीक है, तो आपकी लव स्टोरी कहाँ से चालू हुई? मैं गुड़गांव में थी, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर, तो वहीं पर हम, मेरे हस्बैंड भी वहीं सर्विस करते थे, हम दोनों साथ में ही करते थे, हम लोग साथ में ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक साथ सोशल वर्क करते थे। अच्छा, हाँ, तो सोशल वर्क करने का भाव उनके अंदर भी रहा है, वो भी शुरू से एनएसएस और एनसीसी कैडेट रहे हैं जी। और हम लोग साथ में प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, तो मुझे हमेशा से लगा कि मेरा जो उद्देश्य है उसको सपोर्ट करने वाला जो है वो लाइफ पार्टनर होना चाहिए जी। है ना, आप तो मिलने को, तो आप किसी से, कलेक्टर से शादी कर लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको, आपके सपने पूरे करने में आपको सहयोग करे, या जो आप चाहते हैं उसमें आपका सहयोगी बने, तो विचार मिलना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग 2014 से एक दूसरे को जानते थे, हमने साथ में काम भी किया, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि जो मेरे उद्देश्य हैं जीवन के, क्योंकि उसको आप देख ही रहे हैं कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए एक बहुत ही मतलब सपोर्टिंग हस्बैंड होना जरूरी है, तो इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता था। और शादी को हमें अभी 4 साल हो भी गए हैं जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरे हर परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। अरे वाह मैम, हमारे समाज में आज भी इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप एक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं,
तो आपने आपने एक तो पहला इसमें मेरा ये प्रश्न है कि आपके जो टेन्योर था इस कार्यकाल में कभी ऐसा केस या ऐसा कुछ आपके सामने आया हो। दूसरा, हमारे समाज में आज भी इसको अस्वीकार क्यों माना जाता है? ये दो प्रश्न है। देखिए, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपने पैरों पे खड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कि जी, अगर जी, कोई कोई नौकरी कर रहा है और वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की लव मैरिज को समाज स्वीकार कर लेती है। जी, बिल्कुल। दोनों नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में है, तो अपना जीवन यापन तो कर ही लेंगे, तो उसमें स्वीकार्यता बढ़ जाती है। जो लोग नौकरी में नहीं रहते हैं, उनकी स्वीकार्यता कम रहती है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि समाज को स्वीकारना चाहिए। अब समय बदल चुका है और बदलना पड़ेगा। अगर भारत को एक बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हम कल्पना करते हैं, तो उसमें एक ये जो है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरस्टेट मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि हमारे जो प्रिजुडिसेस रहते हैं ना कि समाज के लोग ऐसे होते होंगे, ये लोग ऐसे हैं भारत भारतीय परिवेश में, तो वो जो हमारी धारणाएं होती हैं वो टूटती हैं जब हम एक दूसरे के परिवार से, अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलते हैं जी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है भारत को एक करने के लिए। आप बोल रहे थे सर कौन सा स्टेट से हैं सर? उनका जन्म बिहार में हुआ है। अच्छा। पले बड़े वो छत्तीसगढ़ में हैं। okay. और पिछले 10-12 सालों से गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली। अच्छा। तो ये ऐसा है। ओके। okay. मैम मेरा आपका मतलब जो मेरे लास्ट अब क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? आप किस बैकग्राउंड से आप आते हैं और आज यहाँ पर है? मेरा जन्म गाँव में हुआ है, बालाघाट के गाँव में, और मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ। और हमारे माता पिता और जो मेरे दादा दादी और नाना नानी थे, उन्होंने काफी संघर्ष करके जो है मेरे पिताजी को पढ़ाया, और फिर पिताजी ने भी काफी संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ाया है जी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो काफी संघर्षशील रही है। इनफैक्ट अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं इस स्टेज पर आकर भी। तो हमारा हम लोग पारिवारिक रूप से बहुत साधारण परिवार से हैं जी। बस यही है कि बचपन से ही मैंने, मेरे हस्बैंड ने, परिवार ने महापुरुषों को पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें देश के लिए, समाज के लिए, ताकि हमें जो मानव जीवन मिला है वो एक साकार हो सके मानवता के स्वरूप में। मैम आपकी स्कूलिंग बालाघाट से ही हुई है? हाँ, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से हुई है। अच्छा। और केंद्रीय विद्यालय भोपाल से में भी मैंने 12th क्लास पढ़ी थी। तो मैम आपके मतलब एक तो सबसे पहले आप या तो पढ़ने में बहुत तेज रहे होंगे या ऐसा रहा है क्या? 12th में कितने परसेंट थे? नहीं, टॉपर्स में ही रही हूँ। अच्छा। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आपने इतनी जल्दी जल्दी सक्सेस पा ली, क्योंकि पापा टीचर थे। अच्छा। इसीलिए पढ़ाई में हमेशा मुझे रुचि रही, कॉलेज में भी मैं टॉपर्स में रही हूँ। ओके। तो यही कारण है मैम के, क्योंकि हम मैंने 2-3 साल बाद 4 साल बाद बहुत सारे लोग हैं, प्रीलिम्स नहीं होता है। नहीं, बट ये धारणा गलत है कि जो टॉपर है वो या यूपीएससी या एमबीपीएससी क्लियर कर लेगा, मुझे ये नहीं लगता। अच्छा। कि मैं ऐसे भी बहुत सारे टॉपर्स को जानती हूँ जो कई सालों तक तैयारी करते रहे लेकिन उनका प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, और एवरेज स्टूडेंट भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब परीक्षा दे रहे हैं उसके 1-2 साल पहले से आप करंट अफेयर्स में कितने एक्टिव रहे हैं, या जिस साल आप तैयारी कर रहे हैं उस साल आपका माइंड का स्टेटस क्या है, उस साल आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं जी। ये इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंड अलर्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किताबी कीड़ा जो होते हैं परसेंटेज ज्यादा लाने से जो है वो सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धारणा अच्छा। बिल्कुल गलत है। मैम मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन है। पहला तो आपने घर बनाया है अभी, तो आंवला ही क्यों चुना? दूसरा, ये इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरा लास्ट पूछूंगा। आमला में मेरी पहली पोस्टिंग रही है बैतूल जिले में। आमला में ही एसडीएम रही हूँ, यहीं पर मैंने इलेक्शंस भी करवाए थे, लोकसभा में एआरओ रही हूँ। तो आमला एक ऐसी जगह है जिससे मुझे लगता है हमारा कल्चर भी मैच करता है। मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा।
और ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, पूरा जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो मैच करती है। और आप यहाँ आके देख ही रहे होंगे ये क्लाइमेट कितना अच्छा है, आप गर्मियों में आइए आपको इतना अच्छा लगेगा, यहाँ पर इतनी अच्छा वातावरण रहता है, शांत इलाका है, सभी समाज के लोग, धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, कोई इस तरह का जो हम भेदभाव या जो हम बातें करते हैं ना कि समाज में एक दूसरे से जो तनाव रहता है, वो उस तरह का तनाव यहाँ पर नहीं है, तो एक बहुत अच्छे वातावरण में लोग सब यहाँ रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लीडरशिप की थोड़ी सी यहाँ कमी रही है, जिस वजह से डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर अगर हम डेडिकेशन के साथ एजुकेशन के भी फील्ड में काम करें या किसी और फील्ड में यहाँ पर सोशल सर्विस के तौर पे काम करें, तो एक अच्छा जीवन यहाँ पे जो है कट सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमने तो सोचा था कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहेंगे, इसीलिए अभी से हम तैयारी, घर बनाने की तैयारी की यहाँ पर लाइब्रेरी और एजुकेशन के फील्ड में। रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग के साथ मैंने ये काम किया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे 5 साल में रिटायर होना पड़ेगा। अपने लाइब्रेरी स्टेबल किए गए यहाँ पर, इसी हॉल को हम लाइब्रेरी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। अभी मेरे रेजिग्नेशन का कंफर्मेशन हो जाए तो हम आगे फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। मैम, आपने तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करी थी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं लोगों की अवधारणाएं होती है कि 12 घंटे, नहीं ऐसा नहीं, 18 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं मुश्किल से पूरे दिन भर में 3-4 घंटे पढ़ पाती थी शुरुआती टाइम पे। फिर जब मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ तब मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो तब मैं 8-10-12 घंटे पढ़ लेती थी। और एग्जाम टाइम पे तो फिर आपको 15-16 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम रहता है, गैप नहीं रहता, आज है फिर कल है, तो फिर कल की तैयारी करने के लिए आप, हो सकता है 4 घंटे सो पाए या 3 ही घंटे सो पाए, सोना भी जरूरी है जी। तो लगातार 4-5 दिन की इन परीक्षाओं के लिए अगर आप 4 घंटे सो रहे हैं तो बाकी आपको 16-18 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो 10-12 दिन कठिन होते हैं जब आपको 15-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं मेंस के टाइम पे। बाकी टाइम आप रिलैक्स होके अगर 8-10 घंटे भी पढ़ते हैं जी, है ना, वो डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो मतलब किस तरीके से पढ़ता है, वो सब उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है ग्रास्प करने की, वो उन सब चीजों पे मैटर करता है, वो स्टूडेंट वाइज डिफर करता है। तो किसी एक की स्ट्रेटेजी दूसरे के लिए काम आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कॉमन स्ट्रेटेजी यही हो सकती है कि कम से कम 8-10 घंटे तो पढ़ना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, 8-10 घंटे मिनिमम पढ़ने चाहिए, और अपना टाइम टेबल प्रॉपर आप बनाना चाहिए किस तरीके से, स्ट्रेटेजी बना करके हमें कितने दिनों में, कितने समय में, कितने घंटे क्या काम करना है, वो एक प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही सक्सेस मिल पाएगी। मैम, क्या मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ? अभी कहना जल्दी होगी। अच्छा। फिलहाल तो मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं अधिकारी हूँ, ना ही मैं, जो आपने सवाल पूछा, मैं उस तरीके से खुद को देखती हूँ। मैं फिलहाल एक माँ हूँ और अपने परिवार के बीच में रहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, आपने आपके बहुमूल्य समय में से निकाल करके हमें समय दिया, उसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। और हमारे जो मेन व्यूअर्स हैं, ज्यादातर व्यूअर्स एस्पिरेंट्स हैं मैम, तो उनके लिए लास्ट में आप जो भी मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहें आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे युवा हैं, खासकर महिलाएं हैं, वो अपना लक्ष्य बनाएं, एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपना टाइम टेबल आप बनाएं, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए धैर्य बना के जरूर रखें, और जो भी परीक्षा की तैयारी आप करें, जो भी आप लक्ष्य हासिल करना चाहें, दो चीज हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बनेंगे, मानवता हमारे अंदर होगी तो हम किसी भी पद पर पहुंच जाए हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। आप अगर कलेक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे कलेक्टर बने जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचाने के लिए कार्य करें। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं सबसे पहले यही बात रखिए कि आप एक अच्छे इंसान बने, दूसरा इस भारत देश के अच्छे नागरिक बने, ताकि देश सर्वोपरि रखने की भावना के साथ
आप इस समाज को, इस देश को और विश्व को जो है एक अच्छा संदेश दे पाए, खुद के नाम के माध्यम से, खुद के माध्यम से आप मानवता को जीवित रखें, यही संदेश देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, हमारा नेशनल यूथ सिंपोजियम का यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज एक बार हमारे लिए अपील कर दीजिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, जैसा अभी निखिल जो है ये नेशनल यूथ सिंपोजियम के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो यूथ है उनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि जो यूथ है, जैसा भी मैंने बताया कि अपना अच्छा उद्देश्य बनाइए, चाहे आप राजनीति में जाना चाहें वो भी अच्छी बात है, उसमें भी युवाओं की जरूरत है, महिलाओं की जरूरत है, या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें या किसी और भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप जरूर नेशनल यूथ सिंपोजियम के माध्यम से आज के युवाओं के विचारों को सुनिए और एक दूसरे से कनेक्ट होइए, ताकि हम एक अच्छा मध्य प्रदेश, एक अच्छा भारत देश बना सके। थैंक यू निखिल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।